बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 5 एनिमल्स ऑफ लेवल 2 न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस थर्ड एडिशन। पेज नंबर इज 37। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सबसे पहले एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज वुड बी यूजफुल फॉर अ वाइल्ड एनिमल दैट ईट्स डियर। इनमें से ऐसी कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए एक जंगली जानवर को हिरन खाने के लिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर ए, द एबिलिटी टू रन फास्ट, उसमें तेज़ भागने की सलाहियत होनी चाहिए। नंबर बी, द एबिलिटी टू मूव क्वाइटली, खामोशी से हरकत करने की सलाहियत होनी चाहिए। नंबर सी, लार्ज क्लॉज एंड टीथ्स, बहुत बड़े पंजे और बड़े बड़े दांत होने चाहिए एक हिरन को पकड़ने के लिए और पकड़ के खाने के लिए। तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं उसमें होनी चाहिए वाइल्ड एनिमल में जो डियर को खाते हैं। तो हम ऑल ऑफ द अबव को करेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 2 इज़ विच 3 ऑफ दीज कैन कम फ्रॉम हैन। इनमें से कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुर्गियों से हासिल होती हैं। नंबर ए, मीट। जी हम उसका मीट खाते हैं, चिकन का मीट खाते हैं, ए पे क्लिक करेंगे। नंबर बी, एग्स, अंडे, मुर्गियों के अंडे भी इस्तेमाल होते हैं, बी भी क्लिक करेंगे। और सी, फेदर्स, उसके पर। ये तीनों चीज़ें हमें मुर्गी से हासिल होती हैं, जबकि नंबर डी पे मिल्क है, हमें मुर्गी से दूध हासिल नहीं होता, इसलिए हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। नंबर 3, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज़ अ स्केवेंजर। मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया स्केवेंजर क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो डेड एनिमल्स को खाता है, जो स्केवेंजर है। हॉर्स, नो। बियर, नो। वुल्चर, गिद्ध। जी वुल्चर इज़ द राइट आंसर। नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्केवेंजर है वुल्चर। 4, विच ऑफ दीज हैव वेब्ड फीट। इनमें से किसके जालेदार पांव होते हैं। डक्स, डक्स और फ्रॉग्स होते हैं जिनके वेब्ड फीट होते हैं। तो डक यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर पे, इसको हम राइट आंसर, ये हमारा ए है, ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज़ अ वाइल्ड एनिमल। इन चारों में से कौन सा ऐसा जानवर है जो वाइल्ड एनिमल में आता है। हॉर्स, किटन, बियर, शीप। बियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, सी इज़ द राइट आंसर। आई होप यू फील्ड इट। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपको एक बॉक्स दिया है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैं, इनको हमने सही जगह पे लिखना है। नंबर 1 इज़ वी गेट सिल्क फ्रॉम आ, हम सिल्क हासिल करते हैं, रेशम हासिल करते हैं रेशम के कीड़े से, सिल्क वॉर्म। यहाँ पे हम लिखेंगे सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म यहाँ पे आ गया। नंबर 2, आ डैश इज़ कैप्ट एज अ पेट, इट कैचेस माइस। अब वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पालतू जानवर के तौर पे रखते हैं और वो चूहे का पीछा करती है। ऑफ़ कोर्स कैट, सी ए टी कैट, नंबर 2 में लिखेंगे कैट। नंबर 3, आ डैश लेज एग्स, कौन अंडे देता है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अंडे देती है, हैन, एच ई एन, हैन। नंबर 4, वी गेट वूल फ्रॉम डैश, हम ऊन कहाँ से हासिल करते हैं, शीप से, भेड़ों से ऊन हासिल की जाती है, शीप। नंबर 5, फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर बिकॉज बोथ ले डैश इन वाटर। मेंढक और मछली मिलते जुलते क्यों हैं, बिकॉज क्योंकि बोथ ले दोनों देते हैं एग्स इन वाटर, अंडे पानी में। दोनों सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि ये पानी में अंडे देते हैं। टर्न टू पेज नंबर 38। फ्रॉग बना हुआ, ये फ्रॉग के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल देनी है।
लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फैक्ट फाइल अबाउट फ्रॉग्स बिलो. हमें पिक्चर में देखना है और फ्रॉग की जो फैक्ट फाइल है, फैक्ट फाइल कहते हैं हकीकत है जो उसकी, वो हमने यहाँ पे लिखनी है यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में हमें उन्होंने ये एमसीक्यूज की तरह ही हैं, ब्रैकेट में उन्होंने डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं हमें और हमने उनमें से चुन के सही आंसर ब्लैंक्स में लिखना है. अ फ्रॉग लिव्स इन डैश. मेंढक कहाँ रहता है? एयर, वाटर, हवा में, पानी में, लैंड, खुश्की में, या लैंड एंड वाटर, पानी, खुश्की और पानी दोनों में. जी, खुश्की और पानी दोनों में रहता है. फ्रॉग लिव्स इन लैंड एंड वाटर. नंबर टू इज इट हैज़ डैश लिम्ब्स. उसके कितने बाजू होते हैं? 2, 4, 6 लिम्ब्स. 1, 2, 3, 4 फोर लिम्ब्स. इट्स स्किन इज डैश. उसकी स्किन क्या होती है? ड्राई एंड स्केली, बम्पी एंड वेट. खुश्क और चलने वाली, यानी ऊपर से छिलके बने होते हैं जैसे मछली के होते हैं वैसी होती है, या बम्पी और वेट. बम्पी यानी सॉफ्ट सी, और वेट नमी वाली, गीली. तो उसकी स्किन जो है वो फ्रॉग की, वो बम्पी और वेट होती है, ड्राई और स्केली नहीं होती. यहाँ पे लिखेंगे बम्पी एंड वेट. नंबर फोर इज इट डैश अ नेक. हैज अ नेक और डजंट हैव अ नेक. उसकी गर्दन नहीं होती, एक लंबी सी जबान होती है जो उल्टे होके इसका शिकार पकड़ती है और दोबारा से गोल होके अंदर चली जाती है. इसकी गर्दन नहीं होती. इट डज नॉट हैव अ नेक. नंबर फाइव इट ईट्स डैश फ्लाइज और ग्रास. फ्रॉग क्या खाता है? फ्लाइज. इट ईट्स फ्लाइज. नंबर सिक्स इट डैश हिसेस, क्रॉक्स, स्क्रैचेस. ये साउंड्स नेम हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं वो निकालते हैं, जिसमें हिस यानी हिस 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 जैसे साउंड आती है. क्रॉक्स यानी क्रॉक क्रॉक क्रॉक, फ्रॉग यूजुअली क्रॉक्स करते हैं. स्क्रीचेस और किस्म की आवाज़ होती है, जैसे बारीक सी चीख होती है. क्रॉक्स मतलब फ्रॉग का बोलना, क्रॉक्स कहलाता है. इट क्रॉक्स, वो क्रॉक करता है. नंबर सेवन बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड डैश क्राइसिलिस टैडपोल्स. बेबी फ्रॉग्स क्या कहलाते हैं? टैडपोल्स कहलाते हैं. अच्छा जी, ये तो था फ्रॉग के बारे में फैक्ट फाइल. क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं. नाउ मेक अ फैक्ट फाइल ऑन द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के बारे में आपको फैक्ट फाइल बनानी है कि बटरफ्लाई की कितनी टाइप्स हैं, और जिस तरीके से फ्रॉग का बना हुआ है वैसे ही आपको क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस जो है आप बटरफ्लाई के बारे में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट ये आप लोगों ने करना है स्टूडेंट्स ने. नंबर फाइव नेम द फॉलोइंग. नंबर वन इज एन एनिमल विद अ हम्प ऑन इट्स बैक. उस एनिमल का नाम लिखना है जिसकी कमर के ऊपर हम्प होता है, कोहान बनी होती है, वो कैमल है. CAMEL कैमल. नंबर टू एन एनिमल विद हॉर्न्स. एक जानवर जिसके सींग होते हैं, गोट. GOAT गोट. नंबर थ्री एन एनिमल विद क्लॉज. जिसके पंजे होते हैं, कैट्स. CATS कैट्स. एन एनिमल विद टस्क्स. टस्क्स दांत. टस्क हाथी के दांत को ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफेंट. एन एनिमल विद फर. जिसका रुओं वाली जो है वो स्किन होती है, आउटर स्किन रुएं वाली होती है, वो कौन है? शीप, भेड़. ओके, नंबर सिक्स पे आते हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज 33 एंड मैच द फॉलोइंग. हमने पहले मैच कर इस तरीके से मैच करना है कि पहले हम पेज नंबर 33 पे जाएंगे, 33 पे देखेंगे कि क्या कुछ किसके साथ मैच हो रहा है, और फिर हम मैच करेंगे कैसे. नंबर वन ट्रंक. ट्रंक किस लिए यूज़ होती है? मैंने आपको पहले बताया था कि वो चीज़ों को पकड़ने में, सांस लेने में, आवाज़ निकालने में, उसके नहाने में, खाना खाने में, सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है ट्रंक. फॉर ग्रैस्पिंग, ब्रेथिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड. नंबर सी के साथ इसको मैच करेंगे ट्रंक को.
नंबर टू पे है फर, फर फॉर कीपिंग वार्म, नंबर डी पे फॉर कीपिंग वार्म, नंबर टू को डी के साथ मैच करेंगे। नंबर थ्री फिन, फिन मछली के होते हैं और वो क्या करने में मदद देते हैं, फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर इजीली, पानी में से अपने आप को फिसलाने के लिए फिन्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं फिश को, फिन बी के साथ अटैच करेंगे। नंबर फोर हॉर्न्स, सींग किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर फाइटिंग, लड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एंटलर के भी होते हैं। टेल दुम, फॉर बैलेंसिंग ऑन ब्रांचेस, मंकी की टेल थी ये जो हमने बताया था कि वो दरख्तों पे छलांगे लगाने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, दरख्त पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं मंकीज। ओके जी, नाउ टर्न टू पेज नंबर 39। व्हाट आर द फॉलोइंग पार्ट्स यूज्ड फॉर, थिंक केयरफुली, देयर मे बी मोर देन वन यूज फॉर ईच। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ अ फेदर, इफ यू कैन फाइंड वन टू लुक एट, यूज इट टू हेल्प यू ड्रॉ योर पिक्चर। आपने यहाँ पे खुद जो है वो फेदर ड्रॉ करना है, एक पर आपने डिज़ाइन करना है, कोई भी आप एक पर ले सकते हैं, मुर्गी का ले सकते हैं, कबूतर का ले सकते हैं, पीकॉक का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं फेदर, और आपने उसको रख के और उसके ऊपर जैसे डिज़ाइन बना हुआ है वैसे आपने उसके ऊपर पेंसिल फेरनी है, तो आपका फेदर जो है वो रेडी हो जाएगा। राइट द नेम्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम्स ऑफ द टेबल बिलो। अब यहाँ पे जो है वो हमें वर्ड्स दिए हुए एनिमल्स, और हमने उनको पुट करना है सही कॉलम के अंदर के वाटर में रहने वाले, यानी वी लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं हमने उनको यहाँ पे लिखना है। वी डू नॉट लिव इन वाटर, जो वाटर में नहीं रहते खुश्की में रहते हैं उनको हमने यहाँ पे लिखना है। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हम लिजर्ड पे। लिजर्ड छिपकली खुश्की में रहती है तो यहाँ पे लिखेंगे वी डू नॉट लिव इन वाटर। रैबिट, रैबिट भी खुश्की में रहता है, उसको भी इस वाले कॉलम में लिखेंगे। गोल्ड फिश, गोल्ड फिश फिश है ये पानी में रहती है, लिव इन वाटर वाले कॉलम में लिखेंगे। बटरफ्लाई, तितली, तितली उड़ती है फूलों पे बैठती है तो ये रैप उसमें आती है वी डू नॉट लिव इन वाटर में, क्योंकि ये पानी में नहीं रहती, यहाँ पे लिखेंगे। टैडपोल पानी में होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इस वाले कॉलम में। ईल, ईल मछली का नाम है, ये भी वाटर में रहती है, इसको भी यहाँ लिखेंगे वाटर वाले कॉलम में। क्रैब, क्रैब केकड़ा, ये भी जो है वो दरियाओं में समुंदर में रहता है, पानी में रहता है तो यहाँ पे लिखेंगे। वेल, वेल मछली का नाम है, ये भी पानी में रहती है, यहाँ पे लिखेंगे। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन जो है वो पानी में नहीं रहते उनको यहाँ पे लिखेंगे, स्कॉर्पियन बिच्छू को कहते हैं। सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा, नाम से ही जाहिर है कि वो सी में रहता है तो उसको वाटर वाले पोर्शन में लिखेंगे। ऑक्टोपस, ये भी वाटर वाले पोर्शन में आएगा। लॉबस्टर, लॉबस्टर भी वाटर वाले पोर्शन में आएगा, फिश की तरह छोटा सा होता है ये, खाया भी जाता है। रैट, चूहा, चूहा विल नॉट लिव इन वाटर में लिखेंगे रैट। ओरेंगटन, ओरेंगटन भी इसमें लिखेंगे। जैकल, जैकल जो है वो भी पानी में नहीं रहता इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, गीदड़ कहते हैं जैकल को। शार्क, शार्क फिश का नाम है, वो लिव इन वाटर में आएगा। स्नेक, स्नेक दोनों जगह पे रहता है, कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो खुश्की में रहते हैं तो हम इसको खुश्की में लिखेंगे क्योंकि ज़्यादातर स्नेक्स खुश्की में होते हैं। फ्लाई, मक्खी, डू नॉट लिव इन वाटर। नाइटिंगेल, बुलबुल, बुलबुल भी पानी में नहीं रहती तो वी डू नॉट लिव इन वाटर के कॉलम में लिखेंगे। सेंटीपेड, कनखजूरा, कनखजूरा भी पानी में नहीं होता, नमी वाली जगह पे होता है लेकिन पानी में नहीं होता तो वी डू नॉट लिव इन वाटर में लिखेंगे। आई होप आपको आज का ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
जी। यूनिट नंबर 5 एनिमल्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, जिसमें उन्होंने पूछा है हमसे व्हाट आर द फॉलोइंग पार्ट्स यूज्ड फॉर, जो नीचे दिए गए पार्ट्स हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। थिंक केयरफुली, देर मे बी मोर देन वन यूज फॉर ईच, इनके एक से ज़्यादा यूज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बर्ड्स का करेंगे। ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बर्ड्स के क्लॉ, पंजे, फेदर, पर, टेल, दुम, बीक, चोंच, विंग, पर विंग्स उड़ने वाले पर, और फेदर जो उसके ऊपर खाल, जो पत्तों वाली, जो उसके परों वाली खाल होती है उसको फेदर कहते हैं। ये सब चीज़ें किस काम आती हैं, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। और फिश का भी पूछा हुआ है कि फिश के जो गिल हैं, गलफड़े, उसके स्केल्स, ऊपर का जो उसका स्केल्स हैं वो, टेल, उसकी दुम, फिन, उसके पर, माउथ, और उसका मुंह किस काम आता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इसका आंसर इनमें मिल जाएगा। आंसर इज क्लॉ। क्लॉ, क्लॉ ऑफ अ बर्ड इज यूज्ड फॉर होल्डिंग अ प्रे और फूड। एक यूज़ इसका ये है कि वो शिकार को पकड़ने और खाना पकड़ने में काम आता है उसका पंजा। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, और ये अपने आप को डिफेंस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स। बर्ड्स अपने आप को इस्तेमाल सॉरी बर्ड्स अपने डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 इज फेदर। फेदर, दीज आर यूज्ड टू इंसुलेट बर्ड फ्रॉम वाटर एंड कोल्ड टेम्परेचर्स। एक यूज़ इसका ये है कि ये बर्ड को इंसुलेट रखता है, गर्म रखता है, और पानी और ठंड का जो मौसम होता है उसमें बर्ड को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ठंड ज़्यादा नहीं पहुँचती, ये गर्माइश पहुँचाते हैं फेदर्स। फेदर विद विंग्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। हड्डी वाला जो पर होता है उसके साथ फेदर्स मिलते हैं तो बर्ड को उड़ने में मदद देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेल की तरफ। नंबर 3 पे टेल। टेल किस काम आती है? बर्ड्स यूज देयर टेल टू ब्रश अवे फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। एक इनका यूज़ ये है कि परिंदे जो हैं अपनी दुम हिलाते हैं, ब्रश अवे करते हैं फ्लाइज को, कि फ्लाइज, मक्खियाँ एंड इंसेक्ट्स और हशरात उनके ऊपर ना बैठें। इस वजह से वो अपने जिस्म को हिलाते हैं टेल की मदद से। इट आल्सो हेल्प द बर्ड टू बैलेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। इसका दूसरा यूज़ ये है टेल का दूसरा यूज़ ये है कि ये फ्लाई करने में जो है वो बर्ड को बैलेंस रखने में मदद देता है। नेक्स्ट बीक पे आते हैं। बीक, चोंच। बीक ऑफ अ बर्ड इज यूज फॉर ईटिंग। परिंदे की चोंच खाने के लिए इस्तेमाल होती है। किलिंग प्रे, शिकार को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। फाइटिंग, लड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। होल्डिंग फूड, खुराक को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड फीडिंग, और अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के इस्तेमाल में आती है। विंग्स, द विंग्स ऑफ द बर्ड हेल्प देम टू फ्लाई। विंग्स जो हैं बर्ड के उसको उड़ने में मदद देते हैं। ये तो था बर्ड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फिश के बारे में कि फिश क्या करती है, फिश की जो क्लॉज हैं, फिन्स हैं, वो किस काम आते हैं। गिल, सबसे पहले उन्होंने कहा है गिल का यूज़ बताना है हमने। गिल गलफड़ों को कहते हैं। गिल्स अलाउ द फिश टू ब्रेथ अंडर वाटर। गलफड़े मछली को पानी के अंदर सांस लेने में मदद देते हैं। नंबर 2, स्केल। स्केल्स आर हार्ड विच प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑफ द फिश। स्केल, छन्ना कहते हैं इसको। ये मछली के ऊपर हार्ड स्किन होती है, ट्रांसपेरेंट हार्ड स्किन होती है, छोटे छोटे सर्कल्स में, ओवल्स में बनी होती है। ये मछली का जो इंटरनल सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। नंबर 3, टेल। टेल हेल्प्स द फिश टू स्विम और टू मूव फॉरवर्ड। मछली की जो दुम है उसको मदद देती है तैरने में और आगे बढ़ने में। फिन, फिन हेल्प्स द फिश टू स्टैंडिंग इन अपराइट पोजिशन टू स्विम और टू टर्न। फिन जो है मछली के ऊपर का जो पर होता है उसको मदद करता है सीधा रहने में, अपराइट रहने में, और तैरने में और मुड़ने में। नंबर 5, माउथ।
मुंह. फिश यूजेज इट्स माउथ टू फीड, टू प्रे, टू होल्ड यंग वंस. मछली अपने मुंह को किस तरह इस्तेमाल करती है? खाने के लिए, टू प्रे शिकार करने के लिए, टू होल्ड यंग वंस और छोटी मछलियों को यानी अपने छोटे बच्चों को पकड़ने के लिए मछली इनको इस्तेमाल करती है. आई होप आपको फिश का समझ आ गया होगा. दोनों क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 40 की तरफ. एक्टिविटीज़ इस तरह के काम हैं जो आपको खुद करने होते हैं, उसको एक्टिविटी कहा जाता है. नंबर वन एक्टिविटी इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स डैट कैन फ्लाई. ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखने हैं जो उड़ सकते हैं. जानवर जो उड़ सकते हैं उनके नाम लिखने हैं. नंबर टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल वर्किंग ऑन अ फॉर्म. एक पिक्चर बनानी है ऐसे जानवर की जो फॉर्म पे काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट इट डस. और आपको उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं कि वो क्या कर रहा है. नंबर थ्री फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ ब्लू व्हेल. आप एक ब्लू व्हेल की पिक्चर को तलाशें. द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. ब्लू व्हेल जो है वो पानी के उसमें सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ा जानवर है. इट ग्रोज टू अबाउट 35 मीटर्स इन लेंथ. ये बड़े होकर 35 मीटर इसकी लंबाई होती है, 35 मीटर्स. इट वेज अप टू 120 टन्स और इसका वज़न जो है 120 टन होता है. 40 किलो का एक टन होता है. अब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 120 टन वज़न उसका होता है. फाइंड आउट हाउ लॉन्ग अ मीटर इज. अब आपने ये देखना है कि एक मीटर कितना होता है. आपने मेजर करना है कि एक मीटर कितना होता है. विद अ स्टिक 1 मीटर लॉन्ग. आप एक स्टिक लेंगे जो 1 मीटर लंबी होगी और उसको प्लेग्राउंड में मेजर करेंगे 35 मीटर्स तक. यानी 35 टाइम्स आप उसके निशान लगाएंगे. 1 मीटर स्टिक से 35 मीटर्स के निशान लगेंगे प्लेग्राउंड में, तो आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लू व्हेल जो है वो कितनी बड़ी होती है. यू विल देन डिस्कवर हाउ लॉन्ग अ ब्लू व्हेल इज़. फिर आपको पता लगेगा कि ब्लू व्हेल कितनी लंबी होती है. इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन यू आर. ये आपके साइज से, आपके वज़न से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. नंबर फोर पे स्पॉट बर्ड्स. फाइंड आउट व्हाट दीज बर्ड्स लुक लाइक. हमने देखना है कि जो दिए गई बर्ड्स हैं वो किस तरह नज़र आती हैं. फाइंड पिक्चर्स ऑफ देम. उनकी तस्वीरें देखनी है. एंड ट्राई टू स्पॉट देम इन अ गार्डन. और उनको अपने गार्डन में तलाश करना है. क्रो कौवा. बी नंबर पे है स्पैरो चिड़िया. मैना. मैना को उर्दू में भी मैना ही कहते हैं. पिजन कबूतर. एंड पैरट तोता. ये सब बर्ड्स हैं, परिंदे हैं जो आपको आपके गार्डन में या कहीं और भी आपको नज़र आ सकते हैं. आपने उनको तलाशना है और उनको देखना है कि वो कैसे दिखते हैं. नंबर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द बर्ड्स यू हैव सीन. आपने फिर लिस्ट बनानी है उन बर्ड्स की जो आपने देखे. राइट द नेम्स इन अ नोटबुक और डायरी. अपनी डायरी में या नोटबुक में उनके नाम लिखिए. कीप अ रिकॉर्ड ऑफ. अब आपने उनका रिकॉर्ड कैसे बनाना है. द डेट यू सी द बर्ड. आपने उस तारीख को लिखना है जब आपने उस बर्ड को देखा. द प्लेस किस जगह पे देखा. द साइज एंड कलर. उसका साइज क्या था और उसका कलर क्या था. द साउंड इट मेक्स. और वो किस तरह की साउंड बना रही थी. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फन पेजेस के लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए. मुझे भी दुआ में याद रखिए. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफिज़.